दोस्तों, नाग पंचमी की कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नाग पंचमी की कथा मात्र चुपके से सुनने से भी आपके सभी पाप खत्म हो जाते हैं, काल सर्प दोष खत्म हो जाता है, पितृ दोष पुरानी से पुरानी गरीबी दूर हो जाती है। अगर आप नाग पंचमी की पूजा ना कर सके तो आप नाग पंचमी की कथा अवश्य सुने, लेकिन याद रहे, संपूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए नाग पंचमी की कथा अंत तक जरूर सुने, इसे बीच में रोका नहीं जाता। जो व्यक्ति चुपके से भी नाग पंचमी की कथा को सुन लेता है तो उसके ऊपर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी की कथा पूरे परिवार को, हर किसी को सुनना चाहिए। सावन जाते जाते भगवान शिव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, इसीलिए कथा को अंत तक जरूर सुने। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। दोस्तों, प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके सात पुत्र थे और सातों शादीशुदा थे। सातों पुत्रों की बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गईं। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगी तब वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, ये बेचारा तो निरअपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहां से जाना मत, मैं अभी आती हूं। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वो अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। अगले ही दिन जैसे ही उसे ये बात याद आती है तब वह दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा कि सर्प तो वहीं पर बैठा है। सर्प को देखकर वो बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्यों में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। दोस्तों, तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे ढस लेता हूँ, लेकिन तूने अंत में सच्चे हृदय से मुझे भैया कहा है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई, तुझे जो चाहिए मांग लेना। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तो तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहां जाएगी। ये सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वो सर्प एक मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वो बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई लगता हूँ। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। दोस्तों, रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने घर नाक लोक ले जाने आया हूँ, तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार किया। जैसे ही वो नाक लोक पहुंचे, नाक लोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। सर्प उसे अपनी माता के पास में ले गया और बोला, माता ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और ये कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। दोस्तों, सर्प की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया। अब वो वहां खुशी खुशी रहने लगी। वहां शेष नाग के बहुत छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। वो रोज देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहां आकर दूध पी लेते थे। एक दिन वो माँ से बोली, माँ आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ, अभी दूध
ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी और घंटी की आवाज सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़ पड़े। दूध पीते ही कईयों के फन जल गए। सभी सर्प बोले, हम इसे डसेंगे, परंतु माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। दोस्तों, तब उसके भाई सर्प ने और उसकी माँ ने छोटी बहू को हीरे मोती और जवाहरात देकर उसे विदा कर दिया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देता। ये सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसकी माँ की तरफ से हीरे मोती और मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। दोस्तों, जब ये प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की इच्छा उसने राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वो हार लेने भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को याद करके उसे सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वो हार लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वो हार पहना, वो हार सर्प बन गया और रानी ने डर कर वो हार फेंक दिया। ये देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है। ये हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वो नाग वहां पर प्रकट हो गया। नाग बोला, ये मेरी बहन है और ये हार मैंने इसे दिया है। ये देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी, इसीलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, तभी से सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में नाग पंचमी के पावन पर्व पर नाग देवता को गाय का कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन नागों के राजा साक्षात आपको वरदान देते हैं। काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है, पितृ दोष दूर हो जाता है। नाग पंचमी पर नाग देवता के दर्शन करने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, नाग देवता की जय हो। ओम नमः शिवाय। एक लाइक तो बनता है।